का जो सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और BJP के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं अपना सपना साकार कर सकता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आपने अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो लगातार अपोजिशन BJP ज्वाइन करा, तो क्या रीज़न समझ में आता है? देखिए, मैं बहुत पिछले काफ़ी समय से मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था और मैं सिर्फ अपने काम के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था। और अब जो है मैं समझता हूँ कि सभी लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और वो जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो सपना है हम सबका कि हम सब मिलकर के अपने सपनों का भारत, उसमें जब लोगों को विश्वास है मोदी जी की नीतियों के ऊपर, मोदी जी के नेतृत्व पर, तो इसीलिए लोग बाग जो है उनसे जुड़ करके, उनके साथ जुड़ करके अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। और प्रजातंत्र के अंदर, हमारे प्रजातंत्र के अंदर हम सबको हमारा ये हक है कि जो भी हमारे विचार हो, जो हमारी विचारधारा हो, हम उसके ऊपर हम मिल करके हम काम करें और अपने सपनों के भारत का निर्माण करें। सर, आप चुनाव के मैदान में नज़र आएंगे हमें, क्योंकि बड़ा एक लक्ष्य है 400 पार का एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, आप भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट? देखिए, मेरे लायक जो भी अब भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। और मुझे जो है कुरुक्षेत्र के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने मुझे हमेशा मुझे बहुत अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं 10 साल तक वहाँ से मैं MP रहा, मेरे पिताजी वहाँ से MP रहे, तो मेरा भी वहाँ पर एक अपना परिवार है। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, तो अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो मैं ज़रूर, जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊंगा।